उदाहरण 29। यदि किसी वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल बराबर ऋण 8 तथा गुणनफल बराबर 4 हो तो वर्ग समीकरण बनाइए। हल: मूल ज्ञात होने पर बनने वाला द्विघात समीकरण के लिए सूत्र हम जानते हैं, x की घात 2 ऋण मूलों का योगफल, मूलों का योग x की घात 2 ऋण कोष्ठक में मूलों का योग गुणा x धन मूलों का गुणनफल। बराबर 0 या x की घात 2 ऋण। हमारे पास जो दो मूल है वह है मूलों का जो योगफल जो हमारे पास दिया है वह है ऋण 8 जिसे हम कोष्टक में लिखेंगे और कोष्टक के बाहर x और मूलों का गुणनफल हमारे पास दिया हुआ है 4 तो मूल धन मूलों का गुणनफल के स्थान पे हम 4 लिखेंगे बराबर 0 या x की घात 2 कोष्टक को खोलेंगे तो ऋण 8 जो है धन 8x हो जाएगा धन 4 बराबर 0। इस तरह से हमने ज्ञात किया एक द्विघात समीकरण जब हमें मूलों का योग ऋण 8 दिया था और मूलों का गुणनफल 4 दिया था। इसके सहायता से हमने द्विघात समीकरण बनाया है जो इस उदाहरण का हल होगा। करके देखें। वर्ग या द्विघात समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित हैं। पहला 2 व 3, दूसरा ऋण 5 व ऋण 3, तीसरा वर्गमूल 5 व वर्गमूल 3।